देख रही यार न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी पाठक। इस हफ्ते राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण दम घोटना शुरू कर सकता है। मौसम पर नजर रखने वाली संस्था स्काईमेट ने बुधवार गुरुवार को बताया कि हवा की स्पीड और तापमान कम हो सकता है। पराली जलाए जाने के कारण हवा बेहद खराब से गंभीर हो सकती है। स्मॉग की परत भी राजधानी को अपनी चपेट में ले सकती है। आमतौर पर अक्टूबर के आखिर में ऐसा दिखता है कि लेकिन इस बार यह पहले शुरू हो सकता है। प्रदूषण इसी हफ्ते राजधानी और आसपास के इलाकों का दम घोटना शुरू कर सकता है। मौसम पर नज़र रखने वाली संस्था स्काईमेट ने बताया कि बुधवार गुरुवार से हवाओं की स्पीड और तापमान कम होने लगेगा और पराली जलाने के बढ़ते मामलों से हवा बेहद ख़राब से लेकर गंभीर तक हो सकती है। स्मॉग की परत भी राजधानी को अपनी चपेट में ले सकती है। आमतौर पर अक्टूबर के आखिर में ऐसा दिखता है कि लेकिन इस बार यह पहले शुरू हो चुका है। कई विधानसभा चुनावों के बाद ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी बिहार चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। पार्टी चुनाव में पहले ही राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। 2005 के चुनाव में 4 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी का यह निर्णय उन महागठबंधन की पार्टियों के लिए फायदेमंद है जिनमें मुकाबला बेहद करीब है। बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की गैर मौजूदगी का सीधा फायदा राजद कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक एक है। ऐसे में सपा चुनाव में जितने भी वोट हासिल करती उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होता। हालांकि पिछले कई चुनावों से बिहार में समाजवादी पार्टी को वोट प्रतिशत लगातार कम हो रहा है।